guys. Hello. How are you? Hi, this is Wahbiz Dorabjee. Welcome to my house. Aayi, mere saath Christmas manaiye. Merry Christmas. Thank you. Wish you the same. Wish you the same. And oh, बहुत ही beautiful yes. decoration किया आपने Christmas tree. मैंने Christmas के लिए बहुत सारी तैयारी की है. आज मैंने आप देख सकते हैं मैंने Christmas tree decorate किया है. मैंने घर decorate किया है. तो please come celebrate Christmas with us. Santa बहुत ही cute and छुट्टू सा बनाया. Yeah, ये बहुत अच्छा है. ये actually gift था किसी से. Oh. Yeah. And I यहाँ मैंने इतनी you know मेहनत से Christmas tree decorate किया है आप देख सकते हैं और यहाँ भी मैंने कुछ कुछ चीजें की हैं you know just put some cutouts and all yes can I show this but hall clear नहीं है बैठ के बातें करेंगे okay आप दिखा सकते हो पर्दे भी दिखा सकते हो बता सकते हो हाँ बट तेरा वो stand में अच्छा नहीं हाँ नहीं वो नहीं आएगा ये साइड से चले जाएंगे okay कम हाँ इस बार मैंने थोड़ा कुछ अलग किया है आई हैव आल्सो गॉट सम क्रिसमस पिलो कवर्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा और एडिशन करना था मुझे घर में और हमने ये क्रिसमस के यू नो कर्टन्स भी लाए हैं ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है थैंक यू तो यू कैन सी हमारा घर बहुत ही क्रिसमस फील दे रहा है यस देखिए ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है डिफरेंट डिफरेंट तो जरा इसके बारे में कुछ बताइए हमें वेल मैं ना हर साल ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ नई डेकोरेशंस यू नो लगाऊँ तो आप देख सकते हैं इस साल ना मैंने ऑनलाइन से बहुत शॉपिंग करी है मैंने आप देख सकते हैं ये जो है ना सांता या दीज आर एक्चुअली लाइट्स मैंने सांता लाइट्स मंगाए हैं एंड जब रात को यू नो जब लाइट्स बंद हो जाते हैं यू कैन ओनली सी द लाइट एंड यहाँ ऑब्वियसली हम अलग अलग डेकोरेशंस करते हैं यूजुअली मैं यहाँ स्टार डालती हूँ लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग किया है आई जस्ट पुट अ नाइस मैरी क्रिसमस हैंगिंग एंड हियर वी हैव अ स्मॉल लिटिल स्नोमैन यू कैन सी इतने प्यारे प्यारे हैं यहाँ एक प्यारा सा कैंडल है और ये सब यू नो शाइनी डिस्को बॉल्स बिकॉज यू नो क्रिसमस इज ऑल अबाउट कलर रेड गोल्ड वाइट और ये जो कॉटन मैंने डाला हुआ है लाइक दैट्स टू गिव द इफेक्ट ऑफ द स्नो जैसे हमेशा स्नो होता है एंड दिस इज मेरा सबसे प्यारा सांता सांता छोटू वाला जो मेरे एक और एडिशन आया है और एक और चीज है मैं नीचे कैसे कट कर एक सेकंड कैन आई सी रोलिंग हाँ जी एंड ये बहुत क्यूट है ये मैं दिल्ली से लाई थी इतना क्यूट सा स्नोमैन और ये एक सांता क्लॉज भी मैंने पिकअप किया था ये भी बहुत ये बहुत क्यूट है एक्चुअली इन ये आप देख सकते नीचे पैर करो ये डांस कर रहे वेरी क्यूट इट्स वेरी क्यूट बहुत ही प्यारा है बस तो आप देख सकते हैं कि मैंने तरह तरह की डेकोरेशंस बनाई हैं बहुत ही डिफरेंट है थैंक यू सो मच वही मेहनत रहती है और वही कोशिश रहती है कि हर साल कुछ अलग यू नो किया जाए एंड यू नो इसलिए इस सांता क्लॉज ऐड किया है तो या हर साल मैं कुछ ट्राई करती हूँ कर्टेंस पिलो कवर्स जी थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू आई एम गुड ओके तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस थैंक यू Which is the same. ही beautiful decoration किया आपने अपने घर को जैसा कि आपने दिखाया और बताया भी तो बताइए कि कैसी कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ Christmas के Christmas का time है
थैंक यू सो मच. यस जैसे कि आपने देखा हमारे घर में बहुत क्रिसमसी फील है. इस बार मैंने वो ट्री डेकोरेट किया है, मैंने वहाँ भी और डेकोरेशन डाले हैं, यहाँ हमने क्रिसमस के पर्दे डाले हैं. सो वी आर ऑलरेडी फीलिंग वेरी क्रिसमसी एंड ऑफकोर्स नथिंग इन लाइफ इज़ कम्प्लीट विदाउट योर फैमिली. तो और इस साल और भी खास है क्योंकि मेरी दादी, मेरा भाई, मेरी भाभी, मॉम, डैड सब लोग यहाँ हैं. सो ऑब्वियसली रात को भी सेलिब्रेशंस होंगे, वी प्रॉब्ली गो फॉर डिनर और प्रॉब्ली गो टू माउंट मैरी. तो बहुत मज़ा आएगा. हाँ और मेरा ये ट्रेडिशन है या आई एम श्योर आती हूँ, ये मेरा ट्रेडिशन है कि हर साल मैं 12 बजे माउंट मैरी जाती हूँ. जी ऑफकोर्स. वेल एवरीबडी इज नॉट देयर, हर सबको सॉरी घर पे सब लोग नहीं है, लेकिन मेरा भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ है एंड आई रियली वॉन्ट टू कॉल देम. कम गाइज सो पतली हो कहीं भी फिट हो जाती. तो ये है श्रेया एंड दिस इज माई ब्रदर डैनियल. थैंक यू. या हम लोग ऐसे मुझे नहीं पता बट यहाँ आज क्रिसमस ईव है तो रेड तो पहनना ही पड़ता है. सो क्या कुछ करने वाले आज की शाम आप लोग? माउंट मैरी चर्च जाने वाले हैं और क्या कुछ करने वाले? Well, we're planning for dinner and we're planning to... Wahbiz hi plan karti hai hamesha. So we don't know, abhi pata nahi Wahbiz kahan leke chalegi. Mere pe hi thop dete hai sab, mujhe nahi pata, like basically. Oh God, what are you saying? Sweet boss? I swear, ek to main zara kaam karu. The best sweet boss. नहीं लाइक ऑब्वियसली ये लोग पूना से है तो जब भी बॉम्बे आते प्लानिंग मेरे ऊपर डाल देते हैं. बट आई एम श्योर वील एज लॉन्ग एज वी स्पेंड टाइम टुगेदर फैमिली डिनर पे जाएंगे और एज आई सेड अगर हो पाया तो माउंट मैरीज जाएंगे. सो लेट्स सी इस घर को ब्यूटीफुल बनाने में इनका कितना कुछ आपने किया क्योंकि आपको इन्होंने बॉस बना लिया. हमने कुछ भी नहीं किया. आप बात करें कि क्या डेकोरेशन जो इतना ब्यूटीफुल बना है? नहीं ये मैंने किया, ये लोग बॉम्बे बताओ आप लोग English in the order. Childhood friends ke saath. One second. Yeah, what? Check, 1, 2, 3, check. हाँ जी तो हम पूछ रहे थे आपसे कि कोई memory ऐसी है? हम हर साल एक्चुअली सब फ्रेंड्स मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स सब तो हम वो ओल्ड मैन लाइक यू नो बनाते थे. तो उसको 25th को लाइक यू नो उसके पहले बनाते थे फिर उसके बाद 31st नाइट को हम उसको जला देते थे. oh. और दैट इज़ व्हाट द ट्रेडिशन वॉज. तो हम हर सबके घर पे जाते थे और यू नो ऐसे कुछ कलेक्ट करते थे सब चीज़ें और फिर हम लोग 25th को भी टाइम उसी पैसे से हम लाइक बारबेक्यू या कुछ ना कुछ टाइम पास कर देते थे और 31st नाइट को भी उसी से टाइम पास कर लेते थे. तो वही मेरा सबसे बेस्ट मेमोरी रहा है लाइक हर साल हम वो करते थे. ये कुछ अलग ही है, मैंने नहीं सुना है. या आप बताइए आपकी कोई ऐसी? हम हर साल फैमिली के साथ बाहर ही जाते हैं डिनर के लिए और कभी कभी पार्टी के लिए चले जाते हैं. बट स्कूल डेज यू रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम स्कूल? नो मेमोरीज. वैसे भी हम इसको बोलते हैं कि वो बुढ़ा है, उसको कुछ याद ही नहीं आता. वो बर्निंग मेमोरी है इसकी मेमोरी मतलब इतनी खराब है लाइक यू नो. तो आई अभी उसको वो भी याद नहीं आ रहा. अरे यू डोंट रिमेंबर वी यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड ऑल स्कूल में कुछ भी नहीं. आप स्कूल गए थे? इनको कुछ याद नहीं रहता. ये क्या है, इसको कुछ याद ही नहीं आता यार रियली. वेल एज लॉन्ग एज मुझे याद है मम्मा हम दोनों को बोलती थी कि राइट योर लेटर्स एंड वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम सैंटा क्लॉज एंड वी यूज टू राइट आर लेटर एंड वी यूज टू पुट इट इन द स्टॉकिंग
और जब 25th पे हम उठते थे लाइक क्रिसमस ट्री के, वहाँ सारे गिफ्ट्स रखे होते थे और जो भी हमने पूजा था वही गिफ्ट मिलता था. सो आई ऑलवेज थॉट सैंटा क्लॉज एग्जिस्टेड एंड दीज मेमोरीज हैव ऑलवेज बीन देयर इन माय हार्ट. अच्छा, सैंटा से आ रहा है, आप सभी से जानना चाहेंगे कि अगर सैंटा से हम कुछ ऐसे दिन से मांगते हैं, तो ऐसा हम कहते हैं कि हमारे नाम या दिन से मांगते हैं तो पूरा होता है, तो इस बार ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हैं सैंटा से ऐसी? वेल, मैंने तो ऑलरेडी, सैंटा क्लॉज ने मुझे एक बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट दिया इस साल. मैं, मेरी इतनी मुराद थी और लाइक मेरी झोली में गिर गया. सो आई शो यू, जस्ट कट द शॉर्ट 1 मिनट. रानी मैं ना इंटरव्यू ग्रैन रेनू जरा मंचकिन को ला मुझे एक मिनट. मेरी यू नो व्हाट दिस कॉटन इज लाइक सो. डैनियल कम फास्ट. This is my Murad. Oh, okay. I'm calling Daniel. Just come for 2 minutes, okay? Don't do natak. So, this is my. Hey, how do I hold her? So, मुझे definitely लगता है कि सांता आपके दिल की मुराद पूरी करता है. मुझे हमेशा से एक cat चाहिए थी. मैंने अपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको बोला था आई वांट अ कैट. एंड अचानक से ये हमें पूना में मिली. लाइक ये एक्चुअली लॉस्ट थी और मेरे पापा को मिली एंड आई अडॉप्टेड हर. लाइक लिटरली ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, इनको पता है. या एंड आई वांटेड अ पर्शियन कैट ओनली. तो फिर ये आई कहीं से, तो ये सांता क्लॉज ने ही गिफ्ट दिया है ना. Yeah, so I wanted you guys to see. बहुत प्यारी है. Yeah. Wow. So that's it. Yeah. Okay, तो इसके अलावा New Year भी आ रहे हैं, तो New Year की family में मैं सभी यहाँ पे present हैं, तो New Year की क्या कुछ planning है आप लोगों की, क्या कुछ अलग अलग like. Well, I'm going to Bali. तो मैं तो बाली जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ धमाल करने वाली. आप सभी भी जा रहे हैं बाली? नहीं, वापिस जा रही है उसकी दोस्त के साथ. Yeah, so I'm gonna have a blast. हम काफी दोस्त जा रहे हैं, 8-10 लोग हैं. I'm gonna have like lots of fun. Okay, and इसके अलावा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें आपका मेन प्रोजेक्ट अगर कुछ? Well, अभी तो ऑनेस्टली मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, लाइक सिर्फ टीवी से रिलेटेड नहीं. मैंने लास्ट ईयर एक शो किया था, शोबिज़ दोराबजी. ओके उसके जाने दो. लाइक मैंने लास्ट ईयर टॉक शो किया था एंड अब मैं लाइक बहुत सारी अलग चीज़ें कर रही हूँ. मैं इवेंट्स कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ. मेरा इंस्टाग्राम से बहुत सारा ब्रांड टाई अप्स हैं, तो मैं बहुत सारा अलग काम भी कर रही हूँ. एंड ऑफकोर्स एक्टिंग का कुछ अच्छा ऑफर आया तो विल पिक इट अप. क्योंकि आपके भैया भाभी इतने हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हैं, तो आप एक्टिंग की दुनिया से हैं, आप चाहेंगे कि इन्हें भी अपनी एक्टिंग की दुनिया में लाने की चाहेंगे? आप चाहेंगे कि ये भी आए? वेल, हम ये तो ऑलरेडी मॉडल ही है एक्चुअली. ये भी मॉडलिंग करती है, बट इट्स देयर विश. लाइक इवेंचुअली हमारी फैमिली में लाइक द बेस्ट पार्ट इज वो लोग हमें हमारे ड्रीम्स जीने देते हैं, तो इट्स टोटली देयर विश. तो हम आपको देखेंगे. आई डोंट नो एक्चुअली. मैं पहले करती थी, जब मैं बॉम्बे में थी तो मैंने थोड़े शोज किए थे, लेकिन अब पुणे जाने के बाद इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑडिशन सब यहाँ पर होते हैं. सो लाइक फिर भी वो कर रही है, लाइक स्टिल पुणे में जो होता है आई डू इट. लाइक आपको हम देखेंगे. बिजनेसमैन, लेकिन हम दोनों ने 2-3 एड्स साथ में करी हुई है. लेकिन बट इज इन टू बिजनेस मेनली. थैंक यू. ओके, आई विल से विशिंग ऑल द व्यूअर्स एंड देन वी विल ऑल से मैरी क्रिसमस. ओके, wishing all the viewers a merry Christmas. He bumbled. Happy New Year, people. Like, he's only. Let's say happy. You already bumbled. I said merry Christmas. No, you said something else. After that, happy New Year, people. Happy New Year, people. Okay. Wishing all the viewers a merry Christmas and a happy New Year. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.